खबर है यूपी की, जहां जनपद बुलंदशहर में विद्युत विभाग में संविदा के तौर पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों ने अधिकारियों पर शोषण करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल यह पूरा मामला संविदा कर्मचारियों के वेतन और शोषण का है। संविदा पर तैनात कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वेतन कम दिया जा रहा है तथा उसी के अनुरूप में रहकर ईपीएफ ईएसआई भी उनके वेतन से काटा जा रहा है तथा दिवाली और त्योहारों पर मिलने वाले बोनस में भी कटौती की जा रही है। इन सभी मामलों की जानकारी लेने पर संविदा कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार उनके साथ शोषण कर रहा है तथा कोई जानकारी नहीं देता, जिसके कारण उनको गुमराह कर उनकी सैलरी में गोलमाल किया जा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर संविदा पर तैनात कर्मचारियों ने निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति के तत्वाधान में जनपद के वरिष्ठ विद्युत विभाग अधिकारी से मदद की गुहार लगाई है तथा मांगे पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। मामले को लेकर विद्युत विभाग में खलबली मची हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम वर्मा है। राधेश्याम जी, आज जो धरना हो रहा है, क्या पूरा मामला? ये जो धरना हो रहा है, हमारा धरना कब, जो ये यहाँ बुलंदशहर जिले पे हमारे जो मेरठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भूपेंद्र जी, उनके आदेश अनुसार जो बेसिल कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया हमारे साथ बेसिल कंपनी ने? धोखा किया है कि उन्होंने पेमेंट रखा था हमारा 9,475 रुपये स्केल का और 7,675 रुपये रखा था नॉन स्केल का, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये पेमेंट हर कर्मचारी को दिया जाएगा पूरे पश्चिमांचल में, ये पेमेंट हर कर्मचारी को दिया जाएगा, लेकिन कंपनी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर दी है। क्या कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा? हमारे कर्मचारियों को पेमेंट अभी उन्होंने जो ये ज्वाइनिंग लेटर हमें दिए हैं, ज्वाइनिंग लेटर में उन्होंने खोला है कि ईएसआई और ईपीएफ हमारे 9,475 रुपये में से काटेंगे, जो कि पिछली बार से जो हमें पेमेंट मिली है उस बार से बहुत कम है हमारे कर्मचारी के लिए। हमारा कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है, खंभे में चढ़ता है और आप देख भी रहे हैं, आप जानते भी हैं कि हमारा कर्मचारी हर जगह मर रहा है, खंभे से करके मर रहा है, बिजली से मर रहा है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं दिन पे दिन हमारा पैसा बढ़ाने के बजाय, और ये गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन करा जा रहा है इस विभाग में, जो कि हमारे कर्मचारियों को नीचे दबाया जा रहा है, आगे पैसा बढ़ाने के बजाय पैसा घटाया जा रहा है। तो धरना कहाँ कहाँ हो रहा है? धरना ये हमारा मेरठ हो रहा है, नोएडा हो रहा है, जिला बुलंदशहर में हो रहा है। क्या नाम है भैया? हरीश चौधरी। हरीश चौधरी, आज जो धरना हो रहा है, क्या पूरा इसका मामला? ये जो एग्रीमेंट हुआ है बेसिल कंपनी किस चीज़ का, संविदा कर्मचारी पेमेंट तनखा का, तो उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन हुआ है। जो बेसिल कंपनी है वो जो तनख्वाह दे रही है हमें, उसी में से ईपीएफ ईएसआई काट करके दे रही है। जो प्रेजेंट में हमें तनख्वाह अब तक मिल रही थी, ये कंपनी उससे भी कम दे रही है, इसलिए हमारी ये मांग है कि हमें आगे को उससे भी ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, तनख्वाह बढ़ने की जगह घट रही है, तो इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया। आपने किससे शिकायत की अभी तक? ये हमने चीफ साहब से की है, मेरठ जो हैं हमारे जो हैं एमडी साहब हैं उनके लिए, उनको भी शिकायत कर दी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अभी इसका कोई हमें जवाब नहीं दिया, इसलिए जब तक हमें संतुष्ट पर जवाब नहीं मिल जाता जब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं गुरु नानक राजमहल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चौकी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।